दोस्तों एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पैकेज एसी का न्यू कंप्रेसर हम लोग यहां पर लगाएंगे। पैकेज एसी में ये हमारा पहले से एक कंप्रेसर लगा हुआ था, वो कंप्रेसर ख़राब हो गया, तो हम लोग दूसरा कंप्रेसर अब लगाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हम लोग अपनाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, खास करके जो नए टेक्नीशियन हैं इस फील्ड में आए हैं वो काम करने के लिए। ये पुराना कंप्रेसर हमने यहाँ पर रिमूव किया हुआ है, काट के निकाल दिया है इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग न्यू कंप्रेसर यहाँ पर लगाएंगे। ये जो लोकेशन जो खाली देख रहे हैं, और वो दोनों कंप्रेसर का लेग भी डिफरेंट है। ये कंप्रेसर जो आप देख रहे हैं ये बड़ा साइज़ में है, और जो नया वाला हमारा कंप्रेसर है उसका साइज़ भी डिफरेंट है, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। देखिए ये काट के निकाला हुआ है, और ये जो हम नया कंप्रेसर लगाने वाले हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं नया कंप्रेसर, ये हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर है। तो इसका जो है समझिए तो नीचे का जो बेस है बेस डिफरेंट है, और पुराने वाला का बेस डिफरेंट है, तो उसको भी हम लोग को जो है फिक्स बराबर करना चाहिए सेट करने के लिए। नहीं तो क्या होगा बाद में, अगर हम लोग अच्छा से उसको टाइट नहीं करेंगे नीचे बेस को, तो बाद में वाइब्रेशन होकर पाइप लीकेज जाएगा। ये देखिए कितना डाउन, कितना ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, नीचे में डाउन, नीचे में नाइट्रोजन एंड ब्रेजिंग सेट जो है वहीं से कनेक्शन पाइप लेकर के ऊपर आ गए हैं, अपना जहाँ पर वर्क एरिया है, जहाँ पर हमारा पैकेज लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर अभी काम करेंगे, तो आप लोगों को एक एक स्टेप सब कुछ हम वन बाय वन जो है आप लोगों को बताएंगे और दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग उसका बेस को इक्वल करने के लिए, बनाने के लिए, मतलब जो नया कंप्रेसर है उसके लिए उसका साइज़ से हम लोग मेजरमेंट कर लिए हैं, और उसके बाद जो है ब्रेजिंग के ज़रिए जो है उसको वहाँ पर हॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले वाला में तीन उसका बेस का पॉइंट था, बट जो नया कंप्रेसर है इसमें चार लेग दिया हुआ है, पुराने वाले का थ्री लेग था, उसमें फोर लेग है। तो फोर लेग के लिए हम लोग फोर पॉइंट बना दे रहे हैं, और उसके बाद जो है एक नट वहां पे लगा दिए, दूसरा यहां पे एक और हॉल कर देते हैं, तो ये हमारा चार जो है बेस परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम लोग कंप्रेसर को इजीली परफेक्ट असेंबल कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आगे वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए चारों हमने नट बोल्ट से इसको एडजस्ट कर दिया अच्छा से, अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्रायर है, अभी कोई भी हम लोग नया कंप्रेसर लगाएंगे तो हम लोग जो है ड्रायर को चेंज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर भी जो है कार्बन वगैरह पूरा पकड़े रहेगा। कभी भी कंप्रेसर चेंज करें तो आपको ड्रायर चेंज करने का। तो अभी हम लोग ड्रायर को रिमूव कर दे रहे हैं, तो रिमूव करने के बाद में हम लोग कंप्रेसर वगैरह फिटिंग कर लेंगे ना। अब यहीं से हम लोग फ्लशिंग करेंगे अपना इंडोर यूनिट को और आउटडोर यूनिट को। यहीं से अगर हम लोग ड्रायर निकालेंगे तो एक हमारा इंडोर से कनेक्ट हो रहा है, एक आउटडोर से हमारा कनेक्ट हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हम दूसरा एक एडेप्टर लगा करके अपना इंडोर यूनिट को फ्लशिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बाद में आउटडोर यूनिट को फ्लशिंग कर लेंगे। ये हमारा R11 है, ये फ्लशिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। लिक्विड फॉर्मेट में इसको हम लोग फ्लशिंग करेंगे, लिक्विड डाल करके सिस्टम के अंदर जो भी कार्बन रहेंगे ना वो सब क्लीन हो जाएंगे। तो अभी हम लोग वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, लास्ट बराबर लगाया और आगे आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा तो है, लेकिन अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और काम करते वक्त जो है ना वीडियो बनाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ कनेक्शन कर दिए हैं हम लोग, एक बगल से नाइट्रोजन का कनेक्शन ले रहे हैं, बीच मिडिल वाला में जो है नाइट्रोजन का कनेक्शन ले लिए हैं, और किनारे से जो है अपना एक पाइप के अंदर जो है प्रेशर दे रहे हैं। अब वो फ्लशिंग के लिए वहाँ पे पकड़ के रखे हैं मेरा फ्रेंड हाथ से, तो वो क्या करेंगे कि अभी देखिए अभी नाइट्रोजन का प्रेशर दे दिए हैं, अब थोड़ा हम लोग इलेवन जो है ना R11 जो है इसके अंदर लिक्विड जो है जो अच्छा से उसके अंदर से स्केल हटा सके पाइप के अंदर से, उसके लिए जो है हम लोग अभी जोड़ते हैं, पॉइंट को जोड़ दे रहे हैं। अभी वीडियो को बहुत मैंने काट काट के बनाया है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में करके आप लोगों को बनाया है, अगर क्योंकि काम करते वक्त टाइम बहुत ज़्यादा लंबा जाता है ना, अगर उतना लंबा करेंगे तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे और बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके बनाए हैं। फिर भी अब इससे ज़्यादा शॉर्ट हम नहीं कर सकते थे, क्यों आप लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है ना क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे ये है,
इसलिए ख़ास करके मेरा चैनल में जो है आप लोगों को बहुत डिफरेंट तरीक़े से बताया जाता है, जो हर लोगों को ईजी समझ में आ जाए। इसलिए हमने जो है ये वीडियो को थोड़ा लेंथ है, लंबा तो हो गया है, लेकिन ये अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग कहीं भी कोई भी नया कंप्रेसर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आप लोग नया कंप्रेसर लगा सकते हैं, सब प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी वो वापस रिटर्न हमारा प्रेशर ना आ जाए लिक्विड, इसके लिए उस पाइप को वहाँ पर थोड़ा सा पिंच कर दिए हैं और इसको बंद करके बाद में हम लोग गेज में लगा देंगे। वो पाइप को गेज में लगा देंगे। ये रेड वाला पाइप जो है ना, रेड वाला में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन का हमारा प्रेशर आ रहा है, जो नाइट्रोजन को अभी हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना गेज में लगा देते हैं पाइप को। अब नाइट्रोजन के जरिए क्या है, अभी प्रेशर खोलेंगे तो गेज से होते हुए, ये जो रेड वाला गेज है ना, प्रेशर गेज, इससे होते हुए कहाँ जाएगा, वो अपना जो है इंडोर यूनिट या कंडेंसर में जो भी हम लोग फ्लशिंग कर रहे हैं उसके अंदर प्रेशर जाएगा। अभी वो प्रेशर जाएगा तो देखिए यहाँ पे कितना प्रेशर फास्ट आएगा। तो ये इंडोर में हमारा उतना ज़्यादा स्केल नहीं है, ये क्लीन है, बस आपको प्रोसीजर बता दिए कि इस तरह से हम लोग इंडोर यूनिट को फ्लशिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं उस तरह से हम लोग लिक्विड का इसके अंदर डाल करके और उसके बाद हम लोग जो है फ्लशिंग करेंगे। आउटडोर यूनिट में जब हम लोग फ्लशिंग किए थे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी हम लोग इंडोर का कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग आउटडोर में लगाते हैं। देखिए आउटडोर में हम लोग फ्लशिंग करने के लिए दूसरा अपोजिट साइड में हम लोग फिट कर दिए एडेप्टर को। अब इसके अंदर गेज जो है हम लोग लगा करके उसको जो है ये कर सकते हैं, आउटडोर को फ्लशिंग करेंगे। तो आउटडोर का फ्लशिंग में देखिए बहुत ज़्यादा स्केल आ गया क्योंकि कंप्रेसर हमारा जला हुआ था, ठीक है। तो अभी हम जब आउटडोर को फ्लशिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आउटडोर में क्या प्रॉब्लम था। और जब तक फ्लशिंग हम लोग अच्छा से नहीं करेंगे तो आप नया कंप्रेसर लगाएंगे ना तो आपको फिर वापस जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कंप्रेसर जल जाएगा। इसलिए कभी भी इंटरव्यू में भी बहुत टाइम पूछा जाता है कि अभी नया कंप्रेसर लगाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। ऐसे तो हमारे चैनल पर बहुत सारा बताया गया है इंटरव्यू से रिलेटेड। ये देखिए आउटडोर यूनिट का देखिए कितना सारा ब्लैक निकल रहा है, इतना ब्लैक जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक है, पूरा जला हुआ है। ये कंप्रेसर आप लगाएंगे तो, नया कंप्रेसर बिना फ्लशिंग करे लगाएंगे तो ख़त्म है, मतलब आपको वो सक्सेस नहीं होएगा। ये चीज़ है। अभी देखिए अभी इसको तो बहुत अच्छा से फ्लशिंग करना होगा, आउटडोर यूनिट को जो है ना बहुत अच्छा फ्लशिंग करेंगे। इंडोर में हमारा आप देखे थे ना, नहीं आया था। ये देखिए कितना डेंजरस है, ये इतना फुल ब्लैक है, वो एक दिन में ही कंप्रेसर जाएगा वापस, ठीक है, पूरा आपका जो है ड्रायर ब्लॉक कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कपड़ा लिक्विड को डालते हैं, ठीक है। अभी लिक्विड डालने के बाद जो है उसके अंदर से पूरा जो है ये करके स्केल को रिमूव करके वो वापस इधर बाहर आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए ओपन किधर हो रहा है, नॉर्मल। अभी हम लोग नाइट्रोजन से भी फ्लशिंग होता है, लेकिन जो कंप्रेसर नहीं जला है ना उसको हम लोग नाइट्रोजन से फ्लशिंग करके कर सकते हैं। नाइट्रोजन से फ्लशिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा ये करना होगा, फ्लश करना होगा। अभी ये हमारा 11 है, अगर हमारे पास अवेलेबल है लिक्विड तो उससे क्या करेंगे, ईजी डाल करके हम लोग बहुत जल्दी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे पास R11 है कंपनी की तरफ से, अगर मिल गया तो क्या मुश्किल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन का भी हम लोग यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन से फ्लशिंग करते हैं, लेकिन अगर कंप्रेसर जला है तो उस वक्त जो है आपको कंपलसरी जो है इसका यूज़ करना होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर है। पकड़ के रखो ना, थोड़ा प्रेशर में आएगा। अभी दोबारा भी वापस हम लोग डाल के ये कर रहे हैं, अभी भी आएगा, अभी भी देखिए कचरा है, वापस डालना होगा। अभी एक बार और भी हम लोग लिक्विड डाल करके ये करेंगे तो ज़्यादा सही है, एक बार में ये जो है सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब जब तक हमारा क्लीन अंदर से ना आए, हाथ में आप चेक करेंगे, जब तक क्लीन ना आ जाए तब तक करते रहना है। वापस क्या कहते हैं, हम लोग अभी एक बार और भी लिक्विड डालते हैं, डाल के देखते हैं क्या ये है, ठीक है।
अभी मेरे चैनल पे पहले भी गैस चार्जिंग का वीडियो अपलोडेड किया हुआ है और वैक्यूम का, वैक्यूम कैसे करते हैं, गैस चार्जिंग करते हैं, तो इसमें बहुत कम उसमें हम दिखाएंगे। इसमें इसमें ज़्यादा फ्लशिंग का, ब्रेजिंग का, पाइप अल्टरनेशन का, जिसे अभी न्यू कंप्रेसर लगाना है ना, तो कैसे ये करते हैं। न्यू कंप्रेसर जैसे अभी हम लोग लगाएंगे तो इसमें पाइप डिफरेंट है, पुराने वाले कंप्रेसर का जो है ना पाइप डिफरेंट है, और ये नया वाला कंप्रेसर का जो है पाइप डिफरेंट है। मतलब कि अगर से पहले से 7-8 लगा हुआ है, ये अपना हाफ लगा हुआ है, तो अभी दूसरा वाला में डिफरेंट मिल गया है। ठीक है, ये 3-8 का यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा 7-8 का लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग रिड्यूसर लगा करके भी, हम लोग देखिए ऊपर में जो है ना वो रिड्यूसर लगाए हैं और नीचे में भी एक रिड्यूसर लगाए हैं कि जिससे कि जो हमारा पाइप है वो अटैच हो जाए। 5-8 का मेरे पास पाइप है और दूसरा अपना 3-8 का है। अब ये कंप्रेसर का हम लोग चारों लेग को बैठा देंगे कंप्रेसर को, क्योंकि हम लोग फ्लशिंग जो है कंप्लीट हो गया, फ्लशिंग मेरा, तो आप लोग फ्लशिंग उस तरह से कर लीजिएगा बाद में ये कंप्रेसर। अभी देखा जाए तो वीडियो में बहुत सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा इसलिए, और नहीं तो मोस्टली हम बता ही देते हैं आपको। फिर भी अभी हम लोग जो रिड्यूसर लगाए हैं अपना जो है पाइप को ये एडजस्ट करने के लिए, उसको हम लोग ब्रेजिंग करके पहले अच्छा से फिक्सिंग कर लेते हैं कि लीकेज ना हो। ठीक है, अभी इसमें पाइप का बहुत ज़्यादा इसमें वर्क अल्टरनेशन किया हुआ है, आपको बहुत देखने को मिलेगा डिफरेंट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पाइप जो है उसका जो है सक्शन और डिस्चार्ज का डिफरेंट एंगल था, इसका सक्शन और डिस्चार्ज जो है डिफरेंट लोकेशन में है। तो उसके लिए पाइप को बेंडर के जरिए कैसे हम लोग बेंड करेंगे, कैसे लगाएंगे, फिक्स करेंगे, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और पाइप अगर हमारे पास, मान लीजिए 7-8 का पाइप है और हमारे पास 5-8 का पाइप हमको मिल गया, तो अब हमको कैसे भी उसको लगाना है ना। ये देखिए बेंडर है हमारा, तो बेंडर के जरिए जो है हम लोग इसको राउंड करेंगे। नॉर्मल हाथ से करेंगे तो पिंच हो जाएगा हमारा पाइप, तो इसलिए हम लोग बेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और उसको मेजरमेंट करके कितना पे हमें मोड़ना है, कितना क्या करना है, उसको हम लोग जीरो में बैठा करके और 90 डिग्री में रखना है, 45 डिग्री में रखना है, कितना डिग्री में आपको उस करना, 180 डिग्री में आपको करना है, वो पूरा इस पर रीडिंग रहता है। आप उस हिसाब से कर लें या आप जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से पाइप को मोड़ लें। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नीचे डिस्चार्ज लाइन को हमने फिक्स कर दिया, एडिसर लगा करके यहाँ पे फिक्स कर दिया और ऊपर में जो है हम लोगों ने फिक्स कर दिया। अभी इसको हम लोग ब्रेजिंग करके इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा वीडियो को हम थोड़ा काट काट के दिखा रहे हैं, एक एक स्टेप हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक एक स्टेप ऐसा ऐसा करके बताने में इतना लंबा वीडियो हो गया, तो अब सोचिए अब हम पूरा एक एक चीज़ को अगर लॉन्ग लेंथ में बनाएंगे तो कितना लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आया, दो बार में आप देखें वीडियो को वन बाई वन करके। अभी सेम साइज़ का पाइप मिलता हमारे पास रहता तो उतना टेंशन नहीं था, कुछ भी दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा पाइप को हम लोग मोड़ते लगाते इजी हो जाता। लेकिन अभी हमको रेडिएशन लगाने का, कहीं एल्बो लगाने का, कहीं कुछ, अभी यहाँ पर हम लोग को स्वेजिंग करना पड़ रहा है, ये जो है ना स्वेजिंग हो रहा है। तो स्वेजिंग करने के लिए भी आपको, क्योंकि उधर पाइप ढीला होएगा, ज़्यादा ढीला होगा तो ब्रेजिंग में भी है ना वो अच्छा से ब्रेजिंग नहीं हो पाएगा, तो अभी हम लोग यहाँ स्वेजिंग भी कर ले रहे हैं आप लोगों के लिए। हम दिखा दिए कि स्वेजिंग भी कैसे किया जाता है। अभी नेक्स्ट फिर आगे दूसरा स्टेप देखते हैं क्या है, आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा तो कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज लाइन जो है, डिस्चार्ज लाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसको। और फाइनली अभी सक्शन लाइन बचा हुआ है, तो सक्शन लाइन का थोड़ा सा अल्टरनेशन ज़्यादा करना है, देख रहे हैं ना उसका, दोनों का डिफरेंट लोकेशन में, अभी वहाँ से पाइप लेकर के इधर डालना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग को बेंडिंग करने के लिए थोड़ा सा पाइप को बेंड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप काम करेंगे तो सब हो जाता है, वो मुश्किल नहीं। ठीक है, अभी ये ब्लू वाला रेड को हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ना कि वो वहाँ पे प्लस मेरे पास नहीं है, तो वो थोड़ा फ्लशिंग का काम करता है, तो उसके ज़रिए जो है अच्छा से वो ये हो जाए, पैक हो जाएगा। अभी ये सक्शन लाइन का है, थोड़ा और आगे आने तो सक्शन वाला भी देख लेते हैं। अभी ये उसको जहाँ से मोड़ना है ना, वो बहुत कम पॉइंट बच रहा है, इसलिए हम लोग उतना लास्ट पॉइंट पर लेना है, तो उतना लास्ट में लेने का नहीं है कभी भी,
वो जब तक अच्छा से पकड़ करके रखें वो अपना हट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको मोड़ दिए। ओके, आप भी देखिए इस तरह से हम लोग को पाइप जो है इतना ज़्यादा इसको है अल्टरनेशन करना पड़ा, सीधा सीधी पाइप जा नहीं रहा था, इधर से राउंड ले करके इधर से ये करके, अभी उसमें रिड्यूसर वगैरह दोनों बगल से लगा करके और उसके बाद उसको इजी कर देंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं इसको, ट्यूब कटर से हम लोग थोड़ा सा कट कर देते हैं। इक्विपमेंट आपके पास सब होना चाहिए कटिंग वटिंग करने के लिए, जब प्रॉब्लम हो तो ये ऑलमोस्ट अब लग जाएगा। अभी उसको हम फिटिंग कर देंगे बाद में, उसके बाद दिखाएंगे। ये देखिए तो अभी हम लोग ब्रेजिंग करके लगा करके ब्रेजिंग कर देंगे बाद में। अभी हम लोग दूसरा चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे क्या ये है। अभी इस तरह से आपने ये कर दिया ना अल्टरनेशन, मतलब इस तरह से आपको कर देना है किसी तरह से पाइप को, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, देखिए डिफरेंस है दोनों में। ओके, अभी यहाँ पे अभी उसको हमने लगा दिया है। अभी नेक्स्ट हमारा ये आपका पाइप काट रहा क्या बोलते हैं अपना ड्रायर है, तो ड्रायर को जो है ना, ड्रायर में भी हमारा एक प्रॉब्लम मिल गया कि पाइप हमारा सेम साइज का नहीं है। ड्रायर जो है अपना हाफ का मिल गया है और इधर 3/8 का क्या कहते हैं पाइप लगा हुआ है। तो ये फ्लेयर पहले से ब्रेजिंग किया हुआ था, अभी फ्लेयर टाइप मिल गया है। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या किए, ब्रेजिंग करना होगा। अभी जो आप देख रहे हैं ना दोनों बगल से जो है ब्रेजिंग करके और उसके बाद फ्लेयर लगा करके टाइट कर देंगे। हमारे पास हाफ का पाइप था तो हमने क्या किया, कट करके और उसको जो है 3/8 का पाइप में ज्वाइंट मार दिया। ज्वाइंट मारने से क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर लगा करके ज्वाइंट मार देंगे 3/8 का पाइप में, तो कंप्लीट। अभी देखिए वहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। हम एक साइड हमने ब्रेजिंग कर दिया है, दूसरे साइड में हम लोगों ने इसको कर देते हैं। देखिए तो इसको हम लोग करके कंप्लीट कर देंगे, बस हमको क्या है हाफ का पाइप थोड़ा सा लेकर के और 3/8 में ज्वाइंट कर देना था। तो इस तरह से अब हम लोग ड्रायर को भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा ड्रायर को फिक्स कर सकते हैं। तो टेबलन टेप इसको लगा दिए कि कहीं लीकेज ना हो। अभी इजी इसको टाइट कर सकते हैं, कभी भी चेंज करना हुआ ना तो हमको अब ब्रेजिंग का ज़रूरत नहीं है ना। इजी क्या कहते हैं गैस को अपना रिस्टोर करके, या दोनों बगल बल्ब होगा इसका आगे पीछे सोलनाइट वगैरह कॉइल होगा तो वो बल्ब को क्लोज करके हम लोग ड्रायर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इजी टाइट हो जाएगा आराम से, हम लोग हैंड टाइट करके और उसके बाद एडजस्टेबल से भी टाइट कर देंगे, स्पिनर से भी टाइट करना होगा नहीं तो लीकेज होएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग प्रेशर दे करके प्रेशर टेस्ट कर लेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं है हमारा कंप्रेसर वगैरह जो भी एनी पाइप लेके जहाँ पे ब्रेजिंग किए हैं, कहीं भी लीकेज हो सकता है ना। वापस प्रेशर का टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेशर टेस्ट या तो होल्ड में भी डाल के आप छोड़ सकते हैं प्रेशर के लिए। तो अभी हम लोग प्रेशर टेस्ट कर लेंगे और प्रेशर टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वैक्यूम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शन आप रिमूव किए हैं वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को भी आपको कर देना है। ठीक है ना, वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोग इसको भी टाइट करके सब कंप्लीट कर दिए। फाइनली अभी जो हमारे पास ये हो गया है, अभी क्या है थोड़ा सा वीडियो का जो आप थोड़ा डिफरेंट देख रहे होंगे ना एंगल, वो सही से नहीं दिख रहा है। वो नेक्स्ट डे, ये फर्स्ट डे में कंप्लीट नहीं हुआ था तो उस दिन जो है लेट हो गया तो लोगों ने छोड़ करके चले आए, उस दिन हम भी चले आए। तो दूसरा दिन हमारे दोस्त लोग गए तो उन लोगों को हम बोले कि वो इतना परसेंट बन गया है, आप लोग उस चीज़ को बना करके ले आएँ। तो उन लोगों ने इस तरह से कैमरा किए, परफेक्ट एंगल से तो नहीं हो पाया है बट आप लोगों के लिए देखने के लिए मैंने इस चीज़ को ये कर दिया। अभी HP LP जो भी स्विच है ना वो स्विच को लगा दे रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल टोटल कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग कभी भी ऊपर से खाली टाइट करेंगे तो नीचे से लीकेज जाएगा, इसलिए नीचे का जो है ना बेस को पकड़ कर उसके बाद दूसरा एडजस्टेबल से हम लोग टाइट करेंगे, अच्छा से हैंड टाइट कर सकते हैं या लीकेज ना हो। ओके, ये अच्छा टाइट हो गया। ओके, दूसरा इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से जो है ना अपना LP HP को भी सेम प्रोसीजर अच्छा से टाइट कर देंगे। ब्रेजिंग वगैरह भी हो गया है, लीकेज अपना लीकेज हम लोग टेस्ट कर लिए, लीकेज नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके है। वैक्यूम सिर्फ करके और उसके बाद गैस डालना इसमें रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। लगभग 5 TR का समथिंग कंप्रेसर है ये, 5.5 टन का कंप्रेसर है।
तो वो मुश्किल नहीं है। और जो ड्रायर आपने देखा ना कि मान लो पहले से 3/8 का लगा तो अभी हमने 5/8 का सॉरी ये हाफ का लगा दिया तो उससे दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी, कोई मुश्किल नहीं है, बस अल्टरनेशन करके थोड़ा चेंज कर देने का, ठीक है। ज़्यादा कहीं पर जैसे अभी पाइप वगैरह ना, अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रेशर डाले हुए हैं चेक करने के लिए। ज़्यादा अगर हमारा पाइप में जैसे कि अभी कहीं पे क्या है ना कि 7/8 का पाइप लगा हुआ है, वहाँ पे 3/8 का पाइप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना आपका जो है कंडेंसेशन में बाकी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमको वो देखना है कि जितना चल सके, ऐसा नहीं है जैसे भी हमारे पास जो था ना वो चल सके। अभी देखिए वैक्यूम किए हैं तो देखिए जीरो से नीचे जा रहा है ना वैक्यूम में, क्योंकि मेरा मशीन नीचे लगा हुआ है तो ये बीच में जो है दोनों लाइन से वैक्यूम कर रहे हैं, येलो से रेड से, और बीच वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ना वो पाइप वो सीधे नीचे गया हुआ है, अपना वैक्यूम मशीन लगा हुआ है वहाँ से वो वैक्यूम कर रहा है, और यहाँ दोनों जगह पे हम लोग सक्शन डिस्चार्ज में लगा करके ये वैक्यूम कर ले रहे हैं। तो मतलब जल्दी वैक्यूम हमारा हो जाएगा, अच्छा सा वैक्यूम हो जाएगा, तो क्या है हम लोग जल्दी गैस चार्ज कर सकते हैं, और दोनों एंगल से, और बड़ा यूनिट है तो दोनों एंगल से हम लोग वैक्यूम करते हैं दोनों के ज़रिए। और ये दोनों गेज लाइन अलग होता है, बीच वाला लाइन जो है ना ये दोनों से कनेक्ट होता है, जिस तरफ का हम लोग वाल्व खोलेंगे उस तरह का जो है हमारा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। दोनों वाल्व खोले रखेंगे तो वो बीच में ओपन रहेगा, क्योंकि बीच का लाइन जो है वो दोनों से कनेक्ट है। गेज पे हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है पूरा 1x1 स्टेप। लीजिए हमारा कंप्रेसर भी चालू हो गया है, अभी 8.7 समथिंग कुछ एम्पियर ले रहा है, गैस का प्रेशर देखिए 60 के समथिंग, 60 दिखा रहा है, ठीक है। और 8.2 समथिंग अपना जो है हमारा ये ले रहा है, एम्पियर ले रहा है। तो एक फेज में ये थ्री फेज का कंप्रेसर है तो ये भी सही है, अच्छा हो गया, तो एवरीथिंग इज़ ओके। और बाकी भी आप लोगों को कहीं डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया, किस तरह से कोई दिक्कत है, तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अभी यूट्यूब में बताना उतना ही बता सकते हैं जितना इसमें पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि काम करते हुए सब कुछ बता पाना वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम एक एक करके 1x1 करके आप लोगों को बताते हैं। और भी बहुत सारा जो है देख रहे ना 8.8 कुछ समथिंग 7 कुछ ऐसा एम्पियर जो है ले रहा है तीनों फेज में। तो हम जो है बहुत सारा इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों को तैयारी कराते हैं, और भी बहुत सारा कुछ टॉपिक पे हम आप लोगों को बताते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे आप लोग को सब हम बता देंगे, और आप लोग वीडियो को बने रहें, और वीडियो अगर हम लोग मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। और आने वाला दिन में हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा जो है चिलर से रिलेटेड, चिलर का भी कुछ वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, अपना फिल्टर वगैरह चेंज करने का, ऑयल गैस चार्जिंग ये वो सब कुछ अपलोडेड है। तो और भी आने वाला दिन में हम बहुत सारा कुछ आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट बताने वाले हैं, जो एयर कंडीशनिंग में हैं, HVAC में, चिलर में, या डोमेस्टिक में, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जिस लाइन से भी हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको काम मिलने वाला है। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे और टॉपिक के साथ, ये भी हमारा ओके हो गया। थैंक यू।